अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़े की रेसिपी, जो कि 10 से 15 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगी और आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत आसानी से बन जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर मेरे पास एक कप जितनी चिकन है, ठीक हो गया, ये बोनलेस चिकन है। इसको मैंने सिंपल पीसेस में कट कर लिया है छोटे। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून जितना दही, यानी कि योगर्ट। दही डालने के बाद आपने इसमें शामिल करना है शान का टिक्का मसाला पाउडर। आप टिक्का मसाला भी डाल सकते हैं, आप तंदूरी मसाला भी डाल सकते हैं और नेशनल शान, दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आपने इसमें सिरका डालना है 2 चम्मच भर के। उसके बाद इसको मिक्स कीजिएगा चम्मच की मदद से, और मिक्स करने के बाद आपने इसको मैरिनेट करके रख देना है तकरीबन 30 मिनट के लिए, और अगर आपने जल्दी बनाना है तो 15 मिनट के लिए लाजमी इसको मैरिनेट करके रखिएगा। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं मैरिनेट करके, और रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं, ठीक हो गया। सो ये आप देख सकते हैं इसे मैरिनेट किए हुए तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। सो अब आपने क्या करना है, फ्राइंग पैन लेना है, उसके अंदर आपने 3 टेबलस्पून जितना ऑयल शामिल करना है, आप घी भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने चिकन को मैरिनेट किया था वो चिकन आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है, और इसके अंदर आपने कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी इन टर्म्स ऑफ स्पाइसेस। स्पाइसेस वगैरह आपने नहीं डालने हैं, क्योंकि जो मसाला डाला है उसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। सो अब आपने इसको कुक करना है, ना पानी डालना है ना कोई और चीज़ डालनी है। तो चिकन जो है वो अपने पानी और दही के पानी में ही कुक होगी, तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर ये कुक हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, जब ऑयल ऊपर आ जाए तो इसके अंदर 1 कटी हुई आपने प्याज डालनी है और 1/2 कप जितनी आपने कॉर्न डाल देनी है, ठीक है। छल्ली लें, उसको बॉयल कर लें, ठीक हो गया, और वो इसमें शामिल कर दें। अगर आपको कॉर्न्स यानी कि छल्ली नहीं मिलती है, तब आपने क्या करना है, आप छोटी 1 शिमला मिर्च कट करके इसमें डाल सकते हैं, सब्स्टिट्यूट है कॉर्न का, ठीक हो गया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्याज और कॉर्न डालने के बाद मैंने इसको पकाया है तकरीबन 5 मिनट के लिए, और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है मसाला। ऑयल ऊपर आ चुका है, चिकन ने ऑयल छोड़ दिया है, चिकन भी अच्छे तरीके से गल चुकी है। स्टेज पर आपने इसको चख लेना है। मसाला बन चुका है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ पे मैंने एक पिज़्ज़ा पैन लिया है, या आप कोई भी ओवन की ट्रे ले लें। इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाना है और इसे ग्रीस कर लेना है, आप बटर से भी ग्रीस कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसके अंदर रखनी है शवरमा ब्रेड। शवरमा ब्रेड ईजिली मार्केट से मिल जाती है, वो आपने लेनी है। वो रखने के बाद आपने इसके ऊपर लगानी है केचप, टोमेटो केचप। सो गाइज, अगर आपको चिली गार्लिक सॉस पसंद है तो आप वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, तकरीबन 1 से 2 चम्मच जितना आपने इस पर लगाना है, और इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देना है इवनली। अगर आप चाहें तो केचप के साथ मायोनीज़ को मिक्स करके भी लगा सकते हैं, ताकि आपको अच्छा लगे और टेस्ट आए इसका। लेकिन मैंने इसको सिंपल वे में आपको बनाना सिखाया है, तो इस तरीके से लाजमी बनाइएगा। इसके बाद आपने चिकन की जो टॉपिंग तैयार की थी कॉर्न और प्याज डाल के, वो इसके ऊपर लगा दीजिए, अच्छे तरीके से स्प्रेड कीजिएगा, इवनली कीजिएगा। इसके बाद इसके ऊपर डाल दें पिज़्ज़ा चीज़, जो भी चीज़ आपके पास घर में अवेलेबल है। अगर वो स्लाइस की फॉर्म में है तो वो भी आप डाल सकते हैं, अगर वो क्यूब की फॉर्म में है तो उसे ग्रेट करके डाल दें। थोड़ा सा मैंने चीज़ डाला है इसके ऊपर। आपने दूसरी जो शवरमा ब्रेड है वो रखनी है, इसको पहले से आपने कुक नहीं करना तवे के ऊपर, जैसे ही बाजार से आप लेंगे वो एज इट इज़ आपने इसके ऊपर रख देनी है। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ बर्गर चीज़, आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, सबके स्लाइसेस मिलते हैं। अदरवाइज़ आप इनके क्यूब्स जो हैं उनको ग्रेट करके भी लगा सकते हैं, सो इट्स अप टू यू। उसके बाद थोड़ी सी मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ जी चिली फ्लेक्स, अगर आपके पास मिक्सड हर्ब्स हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाया है। सो हमने चीज़ भी डाल दिया, चिली फ्लेक्स भी डाल दिए। अब मैंने ओवन को प्री हीट किया था 5 मिनट के लिए 165 डिग्रीज पे, और 10 मिनट के लिए मैं इसको बेक कर लूँगी, ठीक हो गया। अपर और लोअर रॉड दोनों आपने ऑन रखने हैं, और 10 मिनट के अंदर ये तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है, न्यू रेसिपी है, न्यू आइडिया है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। जितना ये देखने में मज़े का लगता है उतना ये खाने में भी मज़े का लगता है। सो मैं इसको कट कर रही हूँ, आपने ये रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसके अलावा नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगेबान।